खरसिया क्षेत्र में ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने लूट की दो मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग रात में ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट किया करते थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार व्यवसायी शिवम अग्रवाल से लूट के मामले में खरसिया पुलिस कई स्थानों के सीसीटीवी फुटेज चेक कर हाईवे के ढाबा, होटल, ट्रक ट्रेलर ड्राइवरों से पूछताछ किया जा रहा है। इस दौरान थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एसआर साहू को दो ट्रक के ड्राइवरों ने बताया कि चोड़ा चौक के पास आए दिन चार लड़के ट्रक ड्राइवरों को रोककर जबरन रुपए मांगते हैं और नहीं देने पर मोबाइल रुपए की लूटपाट करते हैं। थाना प्रभारी द्वारा ट्रक ड्राइवरों को शीघ्र थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की हिदायत दिए एवं अज्ञात आरोपियों की धर पकड़ के लिए स्टाफ को पतासाजी में लगाए। खरसिया पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर तीन संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ के लिए थाना लाए, जिसमें एक भीम राठिया पिता हरिहर राठिया 21 वर्ष ग्राम मदनपुर, दूसरा जय किशन चौहान पिता सुरितलाल 21 वर्ष ग्राम भालू नारा ने पूछताछ में चोड़ा चौक के पास अपने दो अन्य साथियों के साथ ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करना स्वीकार किए, जिनसे लूटी हुई मोबाइल सैमसंग 15,000 रुपए तथा ओप्पो मोबाइल 12,000 रुपए जब्त किया गया है। दोनों को लूट के संबंध में दर्ज अपराध क्रमांक 292 293/2020 धारा 392 IPC में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जिनके दो अन्य साथियों की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है। वर्तमान में रायगढ़ चौक में एक लूट की घटना हुई थी, उसी क्रम में आरोपियों की धरपकड़ कार्यवाही जारी थी कि पूर्व के आरोपी जो चोरी के प्रकरण में कार्रवाई हुई थी, उसमें से भीम राठिया मदनपुर का, जय किशन चौहान भालूनारा का, इसको पूछताछ हेतु लाया गया था, जो आज से एक माह पूर्व चौड़ा चौक के पास दो ट्रक वालों से मोबाइल लूट किए थे, उस घटना को स्वीकार किए और उनसे मोबाइल जब्त की गई है, जो लूट के मामला में उसे उन्हें उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार की गई है। उनके साथ में दो अन्य हैं जो फरार हैं। उसी तरह से आज से 11 माह पूर्व इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडिया यूनियन बैंक खरसिया सिटी में चोरी हुई थी, जिसमें एक गजेंद्र यादव ग्राम अमनडुला मालखरादा क्षेत्र का रहने वाला है, उसको पूछताछ हेतु लाया गया था, जिन्होंने वो घटना को करना स्वीकार किया, जिससे वहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक से चोरी गई थम स्कैनर तथा यूनियन बैंक से चोरी गई चिल्लर पैसे करीबन 3300 सिक्के जब्त की गई है। आज उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।